का लौट देंगे नीतीश जी? नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा नहीं है बिहार में। काहे लालू जी के बेटे तो है, लालू जी के बेटे तो खुद नौगा फेल हैं, तो वो क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री। तेज प्रताप तो उससे बेकार है। तेज प्रताप के बारे में बड़ूपिया जो नहीं बोलते हैं, बड़ूपिया होता है। कभी कृष्ण भगवान बन गए, कभी शंकर भगवान बन गए, कुछ कुछ बन गए, उसके बारे में बात नहीं करना। मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। छपरा जिला में है हम लोग, यहां से गुजर रहे थे तब हम लोग को कई चाची लोग दिखी, वो लोग अपना काम कर रही थी। मुझे पहले लगा क्योंकि मैं यूपी से हूं, तो मैं ये घास वास देख के सोची कि ये लोग मौनी बनाने की कोशिश कर रही हैं जो शादी में इस्तेमाल होता है। तो फिर रुकने पे पता चला कि दरअसल ये लोग झाड़ू बना रही हैं। जो झाड़ू हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो इस ऐसे ही पत्तों से बनता है, लेकिन पता ये चला कि ये लोग बेचती नहीं हैं, अपने इस्तेमाल के लिए बनाती हैं। तो फिर मैं पूछने लगी, ऐसे ही बातचीत हो रहा था कि कैसा आप अब आ ही गए हैं तो इनसे पूछा जाए कि इन लोगों के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है। राजनीति के बारे में तो ये लोग ज़्यादा समझ रखती नहीं हैं, लेकिन तब भी पूछेंगे कि यहाँ के मुखिया जी, प्रधान जी कितना इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, या सिर्फ बस नारा ही है बीजेपी के सम्मान में, बीजेपी सम्मान में है महिलाओं के। तो जाने महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है, उनके बारे में कौन सुन रहा है। तो वही शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना इन लोगों के लिए काम हुआ है। बैठे चाची, आप अपना काम करते रहिए। ये अगर ऐसे बना के बेचती तो पैसा मिलता ना? नहीं, पैसा नहीं मिलता। अगर ये झाड़ू बना के बेचती तो पैसा मिलता ना? मिलता। तो काहे नहीं बेचती हैं? तो हम लोग के गांव में कोई नहीं खरीदता है तो कहां से हम लोग बेचेंगे। अच्छा, हाँ ये बात है, गांव में नहीं खरीदा जाता? नहीं, यहां पर नहीं चलता है, लोग नहीं कोई किनता है, नहीं इसका मांग है यहां पर, तो कहां से कोई किनेगा। तब लोग, क्या आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हम भी है, हमारा 3 बच्चा है। पति नहीं है? नहीं, पति नहीं है। तब कैसे चलता है घर का खर्चा? कैसे, मेहनत मजदूरी करके हम लोग खाते हैं, किसी के घर में, किसी के खेत बाधार में जाकर मेहनत करते हैं तो 2 पैसा मिलता है। तो हमारा जब धान गेहूँ आता है तो वही कटनी सोहनी, हाँ वही कटनी सोहनी करती हूँ, तो मैंने 2 पैसा आता है तो घर खर्चा चलता है, और तो कोई तो लाभ नहीं है। आप लोगों को राशन वाशन मिल रहा है? नहीं, राशन मिलता है। हाँ, राशन मिलता है। और कोई सुविधा? बच्चे लोग कहाँ जाते हैं पढ़ने? सरकारी में। हाँ, वहाँ पे बच्चों को खाना वाना मिलता है? नहीं मिलता है। खाना मिलता है, लेकिन अभी तो मैंने, अभी तो कोरोना चल रहा है। कोरोना चल रहा है। कोरोना में आप लोगों को पैसा मिला खाते में? इतना पैसा दिया जा रहा था? हाँ, 500-500 रुपया आ रहा था, आ रहा था जनधन खाता में ना। आया आप लोगों को पूरा 6 महीने में? हर महीने आया है कि 1 महीना आया, 2 3 महीने आया था, उसके अब नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, अब नहीं देते हैं कोई। तब और क्या क्या समस्या है आपके गांव में? आप लोगों के लिए कितना नेता लोग काम कर रहे हैं, मुखिया लोग कितना करते हैं आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए मुखिया क्या, नेता लोग क्या करते हैं देखते नहीं है हम लोग का गांव के परिस्थिति कैसा है। अगर करते तो ऐसा ही रहता, नहीं ऐसा नहीं रहता। शौचालय बनवाए, इतना घर दिए, आप लोगों को नहीं मिला? शौचालय तो माने नहीं बना है, घर भी अभी कोई कोई के पास हुआ तो बन गया, लेकिन हम लोग अभी नहीं बना है। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी घर बंटवा रहे हैं सबको, आप लोगों को घर मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, घर नहीं मिला, घर नहीं। शौचालय भी नहीं बना? शौचालय तो भी आप लोग बाहर ही जाते? हाँ, हैं, बाहर जाते हैं। आप लोग को मिला चाची घर द्वार? इतना घर बनवाए मोदी जी, क्या रहे है? हम लोग नहीं मिलता है, घर द्वार नहीं बना आप लोगों का, शौचालय का लगता है पलानी है, ऐसा पूछ के घर में रहते हैं। पक्का घर नहीं है? नहीं। शौचालय? शौचालय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं। आप लोगों को अनाज वनाज मोदी जी बंटवा रहे हैं? हाँ, राशन मिलता है। हाँ, पैसा? पैसा 3 महीना 500-500 रुपया है, अब और नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। आप जब जाती हैं अपने मुखिया जी को समस्या बताने कि नाली नहीं है, हम लोग को शौचालय दे दीजिए, तब मुखिया जी क्या कहते हैं? वो तो नाली निकालेगा ना, है कि नहीं नाली? अभी हाँ निकला है, नाली है, नाली पक्का पक्का नाली है कि ऐसे पक्का है? पक्का नाली, पक्का नाली है। हाँ, जब जाती हैं अपने मुखिया के पास, कहती हैं हाई काम करवा दीजिए, तो मुखिया जी करते हैं नहीं करते? हाँ, करते हैं। हाँ, जो काम रहता है वो लोग माने कहते हैं तो वो काम हो जाता है। जैसे आप लोगों की, आप लोग एक ही जगह रहती है ना, तो आप लोगों के यहाँ जब गरीब बेटियों की शादी का जो योजना बना है कि गरीब बेटियों को शादी के लिए पैसा मिलता है, इकट्ठे कई लड़कियों को मिला के शादी हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं होता, नहीं होता है।
तब आप लोग शादी कैसे करती हैं अपने हाँ। के उधार लेके ये सब? हाँ, किसी से मैंने अब अपना बल से जितना होता है उतना होता है, नहीं तो आप जैसे गांव नगर में जो है आदमी उससे पैसा कुछ लेकर अपना समस्या समाधान होता है। सूद पे लेते? सूद पर हाँ। कितने टके पे सूद लेती है? 5 रुपया टके पर। 5 रुपया टके पे। अच्छा ये बताइए चाची, अपने विधायक को देखी है? जी हाँ, विधायक जी वो तो मुखिया है ना, विधायक। विधायक धुमन सिंह नहीं है? हाँ हाँ। मनोरंजन सिंह? हाँ हाँ। तो विधायक हमारे अति के है ना? हाँ। लोग तो देखते हैं हाँ। गांव के बाजू में तो हैं। अच्छा विधायक कितना काम करते हैं गरीब औरतों के लिए? अब इधर तो कोई काम हम लोग नहीं देखे हैं तो हम क्या बोले कि आप लोग, आप लोगों की बेटी की शादी में पैसा 1000 रुपया देना कुछ? नहीं देते हैं कुछ, नहीं अनाज उनाज कुछ भी नहीं देते हैं। ऐसे छठ पूजा में कुछ फल और बांटते हैं गरीब लोग के लिए, लेकिन और कुछ नहीं करते। छठ पूजा दिवाली में बांटेंगे लेकिन बेटी की शादी में नहीं करते, कुछ नहीं करते। मनरेगा वनरेगा का क्या हाल चाल है? मनरेगा वनरेगा है कि नहीं यहाँ पे? मनरेगा जानती है कि नहीं? जानते हैं ना मनरेगा। हाँ, वो चलता है यहाँ पे? चलता है लेकिन पैसा तो आता है तो मुखिया जी साइन ऑन करवा के उठवा लेते हैं। आप लोगों को नहीं देते हैं? देते हैं 200-300 रुपया। हाँ, जैसे 5000-10000 आएगा तो हमें से 100-200 रुपया दे देंगे, रख लेंगे। शौचालय बन रहा है कि नहीं ये बताइए? अभी वो एक साथ कह रहे तभी खाली तो घर बनाता है, घर बनाता। अच्छा विधायक जी शादी वादी लड़कियों की शादी के तो लिए अपने गांव में करते, मतलब हम नहीं गांव में मदद कभी नहीं कर ले, वहाँ को उन्हें अलग भजाओ ना बनी। किसानों के लिए कितना काम कर रहे हैं विधायक जी? अजब देखिए पीछे फसल खराब हो गया, कुछ मदद करते हैं नहीं करते हैं? नहीं कुछ मदद नहीं किया, वो खाली रोड रोड के साई में। क्या रोड बनवाया दिखाइए? ये अभी बाढ़ आ गई, पानी आ गई, रोड बहुत बढ़िया थे हाँ। अभी पानी से पूरा डूब गया था, रोड टूट गई, खराब हो गया, पहले सही था रोड। हाँ, रोड अच्छा था। और ये लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, जो सामने है वो दिख ही रहा है। क्या चाची विधायक जी को देखी है, काम वाम करते हैं कि नहीं है? चाची विधायक जी काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? क्या काम को ले बनी? कोनो मदद नहीं लड़कियों की शादी के लिए? ना, मदद नहीं कोनो मदद। कभी बीमार उमार पड़ जाए तो कोनो ना, 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 सुने अस्पताल वाल के लिए खर्चा ना, ना खर्चा उर्चा कुछ कुछ नहीं। विधायक जी काम कर रहे हैं सड़क पे, बिजली पे, लेकिन गरीब लोगों की क्या? चाची विधायक जी आप लोगों को मदद देते हैं? ना है? कुछ ना दिला लो, जैसे मान लीजिए गाँव में कोई मर गया ना, कुछ ना मुखिया देते हैं? किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पे? कितना विकास हुआ बताइए आप? विकास तो हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। क्या विकास हुआ बताइए? जैसे कुछ ये तो शिक्षा व्यवस्था कुछ पहले से सुधरा है, बिजली सुधरा है, रोड भी सुधरा है, पहले से तो बहुत कुछ सुधरा है, लेकिन जितना सुधरना चाहिए उतना नहीं सुधरा है। तो इस बार नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? 15 साल जी जी बैठे नीतीश कुमार को हम लोग सपोर्ट करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे। उसके अलावा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है बिहार में। हाँ। भाभी बात करेंगी। अच्छा दादी आपकी बहू है, बताइए टीका उका लगवा के आ रही है क्या? टीका? हाँ, सुई उई लगवा के आ रही? सुई तो इधर लागल बा। हाँ, जब 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 जरूरत पड़े तब सुई लगे, लेकिन आई टाइम टाइम पे टाइम तो बच्चों के तबियत दब रहता तो नहीं पड़ल, वो दिन 3 गो पड़ल बा, 1 गो पहले टीका के पड़ल बा। आंगनवाड़ी में तो बच्चों को खाना चूरन उरन और क्या मिलता है? कहाँ मिले ले जाए जा कुछ ना मिले। चेंज हो गया है, अब स्कूल में भेज रहे हैं सरकार ने, स्कूल में आंगनबाड़ी नहीं, आंगनबाड़ी में बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं। आंगनबाड़ी में जो हुआ है तो आंगनबाड़ी का सिस्टम कर दिया है कि जो भी आएगा पैसा बच्चे के, पहले में आता था कुपोषण वाला जो पैसा, वो सीधा डायरेक्ट में खाता में आएगा लाभार्थी का, तो ऐसे ऑनलाइन होने पर लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट पैसा आ जाता है। खाते में पैसा आता है कि नहीं आता है? बच्चे के लिए आता है, आता है, आता है जी जी, आता है खाता में पैसा आ रहा है। कर दिया है कि अब स्कूल में आंगनबाड़ी में ना देकर डायरेक्ट लाभार्थी के खाता में भेज। इससे फायदा है कि नुकसान? इससे फायदा है कि इसे भ्रष्टाचार कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। इससे फायदा है कि डायरेक्ट लाभार्थी के खाता में जो भी पैसा आता है उसे क्या होता है कि बिचौलिया नहीं ले पाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ है सरकार के द्वारा। देखिए कोई भी सरकार आएगा तो थोड़ा थोड़ा जैसे चेंज होगा, एक बैग आप चाहिएगा कि पूरा विकास हो जाए तो नहीं होगा। कितना साल और देंगे नीतीश? नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा नहीं है बिहार में, अगर उसके विकल्प में कोई होगा तो जनता सोचेगी। काहे लालू जी के बेटे तो लालू जी के बेटे तो खुद नौगा फेल हैं, तो वो क्या बोलेंगे? नौ फेल है तब नीतीश कुमार? नौ फेल है नहीं, तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार की बात है। अच्छा, तेजस्वी यादव न फेल है तो उसका विकल्प क्या है? बिहार में कोई विकल्प ही नहीं है। क्या तो रहे हैं कि बड़ा तेजस्वी यादव का कि बड़ा लहर है इस बार, लहर चाहिए, युवा चाहिए इस बार, युवा चाहिए। तो युवा पढ़ा लिखा होना चाहिए नु, जो युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो का देश के शिक्षा का बेहतर सुधारेगा? कम से कम जो गर्जीवन है, जो हम लोग का गर्जीवन बनेगा, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं कि जो गर्जीवन बनेगा मुख्यमंत्री बनेगा। तेज प्रताप, तेज प्रताप उससे बेकार है। तेज प्रताप के बारे में बहुरूपिया जो नहीं बोलते हैं, बहुरूपिया होता है। कभी कृष्ण भगवान बन गए, कभी शंकर भगवान बन गए, कुछ कुछ बन गए, उसके बारे में बात ही करना बेकार है। तो दोनों बेटे से आप खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ जो गर्जीवन बने कुछ उस पर पढ़ा लिखा होकर समझदार हो, कुछ जनता के जानकारी हो, जमीन पर कुछ काम किया हो। तो नीतीश कुमार बहुत सारे काम किए हैं, जैसे पूछे काम हुआ कि बहुत काम हुआ है, लेकिन कुछ काम बाकी है। अब जैसे छत्तीसगढ़ तुरंत लोग का जो बाढ़ के चलते हुआ है, अभी बाढ़ आया है नवंबर दिसंबर एथी में, जून जुलाई अगस्त में, तो अब तो इधर इलेक्शन शुरू हो गया, तो इलेक्शन के बाद ही ना बनेगा? ये तो रोड पिच हो गया था, तीन साल से बाढ़ भी तो आ रहा है चाचा। नहीं नहीं, पहले नहीं, यहाँ पहले बार बाढ़ तो बाढ़ भी आ रहा है। बताइए, तीन साल से बाढ़ आया है कि नहीं? सही नहीं नहीं, हम लोग का तो पहले बार यहाँ बाढ़ आया है। पहले बार फसल भी आप लोग का खराब होता है? नहीं नहीं, पर यहाँ खराब नहीं होता, इस बार खराब हुआ है। अच्छा, पहले ग्रामीण नहीं, लेकिन आगे बात कर रहे थे चाचा लोगों से। आता है, लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बाढ़ कम से कम 77 का 82-83 के बाद यहाँ बाढ़ आया है। हाँ, बीमा मिला कि नहीं मिला? अभी बीमा ऑनलाइन हुआ है तो हम बात होता है, इलेक्शन बाद ही नहीं मिलेगा। इलेक्शन तो पहले तो कोई नहीं मिलेगा। देखिए, कहने में करने में का जो अंतर होता है, अब हम मुँह से कह दिए कि हाँ हमको ये नहीं मिला, लेकिन सरकार अपना कर रही है, धीरे धीरे कर रही है। बहुत कुछ पहले से 75% सुधार हुआ है, 25% बाकी है। नहीं तो हम लोग यहाँ के बिजली के लिए त्रस रहे थे, बिजली एक घंटा आता था, एक घंटा नहीं आता था। अब कम से कम 22 घंटा तो कम से कम बिजली रहता है। अब क्या चाहिए ग्रामीण इलाकों में? थोड़ा नल जल के बारे में समस्या है, तो हम लोग विधायक जी से कहे हैं तो बोले हैं कि हाँ ठीक हो जाए। नल जल बारे शिकायत है, नल जल में शिकायत है सभी ग्रामीण, टोटी घुमाए पानी नहीं दिया। देखिए, हम लोग सही बात बोल गए, नल जल में शिकायत है सभी ग्रामीणों के। नल जल में जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ, नल जल में शिकायत है। लेकिन उसके बाद लोग कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए नीतीश कुमार, अब युवा पीढ़ी चाहिए, तेजस्वी और तेज युवा। हम तो बोल युवा चाहिए, सब लोग चाहते। तो अगर हमके सामने विकल्प दूसरा लोकेगा तब तो हम देंगे वोट। बात ये चिराग पासवान तो है ही, चिराग पासवान है, लेकिन चिराग पासवान का अभी उतना पकड़ जनता पर नहीं है। चिराग पासवान है, युवा है, पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव भी तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, तेजस्वी यादव बोलते हैं, लेकिन अभी वहाँ जनता पर जमीन पर उतरने का काम बाकी है उनको। चिराग पासवान है उस लायक चिराग पासवान है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं। चिराग पासवान पढ़े लिखे आदमी है, जनता पर उनके समझ उनसे ज्यादा है। तेजस्वी यादव को पहले तो जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा, अभी तक उतरे नहीं। संगठन के लिए काम करना पड़ेगा, बूथ स्तर पर काम करना पड़ेगा, तब तो खाली हवा हवाई बोल दिए कि हम ये कर देंगे, 10 लाख नौकरी दे देंगे। अरे भाई, 10 लाख नौकरी कहाँ से दीजिएगा? है ही नहीं। उसके पहले विजन बताइए कि कहाँ से हम किस क्षेत्र में देंगे, इस क्षेत्र में 1 लाख देंगे, उस क्षेत्र में 2 लाख देंगे, तब न जनता भर जमीन पर उतरे नहीं। नहीं नहीं नहीं, तो जनता कुछ 15 साल के एंटी इनकम है, उसके बारे में कुछ जनता थी है, लेकिन विकल्प दूसरा नीतीश के बाद कोई नहीं है क्षेत्र में। गांव की जमीनी समस्या दिखाने के लिए गांव में ही आना होता है, और अभी हम गांव में खड़े हैं, गांव की समस्या पे ही बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 साल में गाँव की दशा और दिशा पे कौन सी सरकार काम कर रही है, कितना विकास हो रहा है, गरीब लोगों के लिए कौन सी सरकार काम कर रही है। गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटी नहीं रही है। मोदी जी के थी में आने से ये फायदा हुआ है, जैसे हम लोग का बूढ़ा पेंशन मिलता था ग्रामीणों का, तो बूढ़ा पैसा आता था तो डायरेक्ट नगद मिलता था, उसमें से 500 दिया 500 चुरा लिया, पूछिए चाची से। अब आता है, जो भी पैसा आता है एकदम डायरेक्ट खाता में आता है इनका, तो उससे फायदा हुआ, बिचौलिया का काम। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, ये सब फायदा है। तो कुछ देखिए, क्षेत्र ग्रामीण इलाका में कुछ शिक्षा के लिए जरूरी है, और उसे आगे बढ़ाने के लिए
अब चाची के बारे में क्या मालूम है, चाची कुछ पढ़े नहीं है तो क्या जानेगी बात। देखिए बता रहे कुछ काम तो हुआ है कुछ काम बाकी है, तो काम की शुरुआत धीरे धीरे ही होती है। इन्होंने बताया कि तमाम तरीके के काम की शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हुई है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो विकास करेगा उसी को जो है सपोर्ट किया जाएगा, ऐसा चाचा कर आए हैं। भैया यही बोल रहे हैं कि जो विकास करेगा उसी को सपोर्ट होगा। तो गाँव की इस बार बिहार की राजनीति बदली बदली सी नजर आ रही है। लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि अब जाति पर हमारा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा विकास है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिए कमेंट में। मैं हूँ पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।